मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा, कलवा, शील, दिवा, इन इलाकों में टोरेंट को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। ऐसी परेशानियां जो है लोग खुद जो है सोशल मीडिया के जरिए आकर जो है बताते हैं, लेकिन टोरेंट के खिलाफ जो है मुमरा में MIM पार्टी जो है वो लगातार जो है काफ़ी दिनों से एक्टिविटी कर रही है, और अब जो है एक नया मुहिम जो है MIM पार्टी जो है मुमरा, कलवा, शील, दिवा इन इलाकों में शुरू करने जा रही है, जो टोरेंट के खिलाफ है। दरअसल MIM पार्टी और अन्य जो विरोधी पार्टियां हैं और ख़ासतौर पर शहर के लोग भी कुछ ऐसे हैं कि जो टोरेंट के खिलाफ है। इन लोगों की ऐसी मांग है कि टोरेंट पावर को यहां से हटाया जाए। आज MIM पार्टी के ऑफिस पर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, और इस ताल्लुक से हम जो कलवा मुमरा के MIM पार्टी के अध्यक्ष शेख पठान हैं उनसे हम बात करेंगे। साथ में शाह आलम भाई हैं, पूर्व नगर सेवक, और जावेद सिद्दीकी, अन्य तमाम जो है MIM पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। शेख पठान, आज आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक जो है सर्वे का जिक्र किया है और एक लेटर भी बनाया है। ये लेटर है, इसमें यस और नो के जो है कॉलम आपने दिए हैं, और इसमें कई पॉइंट्स ऐसे हैं, तो ये किस तरह का आपका सर्वे होगा, और क्या कलवा, शील, दिवा जिन इलाकों में टोरेंट है आप यहाँ पर जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने हमारी तहरीक को आगे बढ़ाते हुए, आप लोग को पता होगा कि टोरेंट के विरोध में MIM पहले दिन से है। टोरेंट जब शहर में आई थी उससे पहले भी हमने भूख हड़ताल वगैरह की थी, अब उसके बाद भी हमने काफ़ी हमने पैदल मार्च किया था। उसके बाद आपको पता है मैं शहर के बाहर गया था, हमारे लोगों ने, शाह आलम भाई ने भी यानी फिर भूख हड़ताल के लिए लेटर डाला, जावेद भाई ने भी यानी कंसर्न विभागों से मुलाकात की, MACDCL के ऑफिसरों से कंप्लेंट्स दर्ज करी। अब मैं शहर में वापस आया तो हमने एक तहरीक छेड़ी है MIM की तरफ से कि हम शहर से यानी टोरेंट जो लोग इसके विरोध में हैं, हम टोरेंट को यहाँ से हटाएंगे। तो उसके चलते अभी हम लोगों ने यानी हमारी तहरीक को आगे बढ़ाते हुए हमने यानी सब उनके RTI से डिटेल्स निकाली, हमने यानी कंसर्न डिपार्टमेंट को लेटर दिया था अगस्त की शुरुआत में, उसका जवाब हमें राष्ट्रपति से आया, जो हमने आपको बताया भी था, वो जवाब हमने दिखाया। उसके बाद अभी हम लोगों ने एक सर्वे फॉर्म बनाया है। देखिए, टोरेंट लीगल तरीके से सब लीगल फॉर्मेलिटीज़ करके शहर में आई है, तो उसको सिर्फ धरना देने से टोरेंट वापस जाओ, टोरेंट मुर्दाबाद करने से टोरेंट नहीं जाएगी, उसको टेक्निकली इस लड़ाई को लड़नी पड़ेगी। तो हमने टेक्निकली हमारे यानी एडवोकेट्स लोग से राय ली, उनसे पैनल से हमने कंसर्न किया, हमारी टीम ने चर्चा की उस पर काफ़ी टाइम, उनसे मुलाकात की, उसके बाद ये आया है कि हम इसके खिलाफ एक सर्वे चलाएंगे हमारे तहरीक के अंदर। उस सर्वे में हमने, आपने जैसा कहा कि यस नो का, हमने सब ऑप्शन लगाया, अगर कोई टोरेंट से खुश है तो वो भी हमें अपने सर्वे में बता सकता है कि वो खुश है, हम उसको भी मना नहीं करेंगे। हम जनरली जो टोरेंट के कंज्यूमर है जिनके नाम पर मीटर है, मीटर नंबर यहाँ पर लेंगे, उनका यानी मोबाइल नंबर, उनका कंज्यूमर नंबर लेंगे, उसके बाद उनका सर्वे हम फिल करें, उनको फिल करने देंगे, उनके हाथ में पेपर देंगे, आप खुद फिल करिए, आपको जो भी लिखना है, आप संतुष्ट है तो संतुष्ट लिखिए। अगर ये हम लोगों को, अगर हम सर्वे हमारा कंप्लीट होने के बाद हम अपनी बातों को कंसर्न डिपार्टमेंट जैसे कि ऊर्जा मंत्री से हम मुलाकात करेंगे, लेटर लेकर के हम MACDCL के ऑफिस जाएंगे कि आपने एक फ्रेंचाइजी हमारे शहर में भेजा है जिससे लोग खुश है या नहीं है, जो भी हम वो बताएंगे, हम कोर्ट जाएंगे, न्यायालय जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये तहरीक के अंडर अगर लोगों ने हमारा फॉर्म सबमिट हमसे भराया, हम डोर टू डोर जाएंगे लोगों के घरों पे। कितने महीने तक ये अभियान चलाएंगे? देखिए कि टोटल जो टोरेंट के अंदर ये जो SMK यानी जो है शील, मुमरा, तलवा, ये जो टोरेंट का फ्रेंचाइजी है, ये इसके अंदर टोटल अप्रोक्सीमेटली 300,000 से ज़्यादा कंज्यूमर्स है तीनों एरिए में मिला करके। और सिर्फ मुमरा की मैं बात करूँ तो 2600 से ज़ायद बिल्डिंग हमारे शहर में है, 300 से ज़ायद चार हमारे शहर में। तो ये हम लोगों को करते करते कम से कम एक महीना लगेगा, हमारी पूरी टीम करेगी, हमने शहर की भी बाकी जो सामाजिक मिली और सामाजिक तंजीमें उनसे भी हमने कहा है कि आप हमारे साथ जुड़े, हम NGO से कह रहे हैं, हम यहाँ के यंगस्टर से कह रहे हैं, सब हम साथ देंगे। तो इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट है कि 2 महीने के अंदर ये सर्वे कंप्लीट करके इसको कैसे आगे पहुंचा करके इंशाल्लाह ताला इसका एग्रीमेंट रद्द कराएं। आप कोर्ट भी जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट जाने के लिए और भी विपक्ष पार्टियां हैं, वो भी ऐसे कहते चली आ रही हैं लेकिन कोई कोर्ट जा नहीं रहा है। इस पर भी शहर के लोग सवाल उठा रहे हैं कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं टोरेंट को मुद्दे को लेकर पब्लिक को घुमा रही है। देखिए, वो उनकी बात है, आपने देखा होगा हमने भूख हड़ताल करी, हमने घुमाया नहीं, हमारी भूख हड़ताल की वजह से 2019 में टोरेंट रुकी ना, 2 साल रुकी, 21 को रातों रात उसको लाया गया, हमको नज़र बंद करके उसके बाद हमने करा। उसके बाद आपको पता होगा कि मुझे तड़ीपार किया गया जब मैं टोरेंट के खिलाफ एक मास छेड़ा था, भूख हड़ताल छेड़ी थी, शाह आलम भाई को टारगेट किया जाता है, जावेद भाई को, तो हम लोगों को टारगेट, हम दूसरे जो कर रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम आपको बता रहे हैं, हम ये सर्वे ले रहे हैं, आप सोचिए सर्वे लिया जा रहा है इसके लिए कोर्ट, हमारे एडवोकेट लोग की यानी राय मंजूरी से, ये एडवोकेट्स लोग ने हमको ये सर्वे बना के दिया है कोर्ट जाने के लिए, और इंशाल्लाह ताला जब पूरी होगी इंशाल्लाह ताला हम कोर्ट चढ़ेंगे, और वहाँ से इंशाल्लाह ताला हमको पूरा यकीन है
कि जब अगर आवाम ने चाहा तो सरकारें गिर जाती है, आपको पता होगा अंग्रेज चले गए इस देश से, तो ये टोरंटो बहुत छोटी भाड़े पे आई हुई चीज़ है, ये वापस हो जाएगी। शालम भाई, आप भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, टोरंटो को लेकर लगातार आप भी अपने एरिए में एक्टिव हैं, दिखाई देते हैं कि इसको टोरंटो के खिलाफ ही है, क्या किया? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके ये मुहिम जो चलाने का हम लोगों को रीज़न था 2018-19 से हमने चालू किया था टोरंटो के खिलाफ, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि भिवंडी, आपने देखा कि हमारे शहर से नज़दीक है, तो भिवंडी के लोगों से हमने जब पता किया तो आपको मालूम है कि भिवंडी जो इंडस्ट्री, लूम इंडस्ट्री थी, आज उसकी हालत एकदम ख़राब है इसी की वजह से। और हमारा मुमरा शहर जो है, ये इंडस्ट्री नहीं, यहाँ पे कमर घर है, लोग रहने वाले लोग रेसिडेंट यहाँ पे, आपको मालूम है कि डेली कोई दिन ऐसा नहीं रहता कि 10-20 लोग मेरे ऑफिस पे नहीं आते हैं। जो टोरेंट के हालात, टोरेंट का जो प्रेशर है, जो बिल का है, ये सबको लेके बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। तो इसको देखते हुए हम लोग देखो कोई राजनीति नहीं कर रहे, ये शहर की ज़रूरत है, शहर के लोगों की ज़रूरत है, इसके खिलाफ होना, इसलिए हम भी इस तहरीक को पूरी ताकत के साथ में लड़ेंगे और आवाम इसमें हमारा पूरा साथ दे रही है। जावेद भाई, क्या कहेंगे आप, शहर में एक ऐसा भी चर्चा चल रहा है कि अगर टोरंटो को जो है इसको रद्द किया जाएगा तो उसे बहुत बड़ी रकम जो है वापस करनी पड़ेगी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, वो बेबुनियाद है, वो लोग राजनीति खेल रहे हैं, हम लोग राजनीति खेल नहीं रहे, हम कायदा के ऊपर ये काम कर रहे हैं। जब तक कोर्ट जाने के लिए हमारे पास ग्राहक लोगों का जो कंज्यूमर नंबर, उनको तकलीफ जब तक कोर्ट में बताएंगे नहीं, फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह उसी की हम लोग तहरीर जो कर रहे हैं, हर जनता से पूछें, अगर उनको टोरंटो चलती है तो चलने दो, हमारे को कोई वो नहीं। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी जो लड़ाई है वो कानूनन है, और कानून के लिए सबूत की ज़रूरत है, इसलिए हम इस पर कामयाब रहेंगे। नहीं, ऐसी बात आ रही है जिसे लोग कह रहे हैं कि जो है कहा जा रहा है कि टोरंटो को अगर हटाना है तो एक बहुत बड़ी रकम उनको चुकानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, जो टोरंटो ने उन्हें दिया था। मैं आपको बताता हूँ कि जो आप रकम की बात कर रहे हो ना, वाकई में चुकानी पड़ेगी, लेकिन वो रकम जनता को नहीं चुकानी पड़ेगी, वो रकम सरकार को नहीं चुकानी होगी। वो जो नेता लोग, जो वो MP हो, MLA हो, मौजूदा जो भी मिनिस्टर हो, जो भी जो कॉरपोरेट हो, जिन लोगों ने अंडर टेबल पैसा लिया ना, उनको चुकानी पड़ेगी। इसलिए उन लोग एक तरह का रूमर्स क्रिएट कर रहे हैं कि इतना करोड़ चुकाना पड़ेगा, उतना, कोई भी ऐसा नहीं। एक एग्रीमेंट टोरंटो के साथ हुआ है, तो वो एग्रीमेंट अगर MSEDCL चाहे तो उसको रद्द कर सकती है, कोई अमाउंट किसी को कोई नहीं चुकानी पड़ी, और चुकानी भी पड़ी तो हम कहते हैं कि आवाम का सोचिए, आप किसका सोच रहे हो, आप किसकी फिक्र कर रहे हो। अगर आवाम को तकलीफ हो रही है तो आप कोई अमाउंट का, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ये अमाउंट चुकानी पड़ेगी, तो वो हटाना, यानी कोई ऐसा नहीं कि पैसा भरना पड़ेगा। ये इसके लिए रूमर्स बनाया जा रहा है, इस्लाम भाई मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने अंडर टेबल पैसा लिया है ना, वो डर चुके कि उनका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो अब एक रूमर्स फैला रहे कि सरकार को पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, इतना बड़ा कोई भी ऐसी बात नहीं है। एक एग्रीमेंट उल्टा सरकार से टोरंटो ने पैसा ली, सब MSEDCL का तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया जा रहा है, एक ये दाऊद बैंकेट हॉल के ऑफिस के अलावा उन लोगों ने मुमरा में करा क्या खुद का, सब तो उनका ही है, मैं कंपनी में उनका यूज़ किया जा रहा है, शिल्पाटा पे उनका ऑफिस इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसी कोई भी नहीं रूमर्स है, ऐसी पब्लिक को डराने के लिए कि नहीं हटा सकते, ये सब बातें हैं। जैसे कि अभी हमारे शाह आलम भाई ने बताया कि नागपुर से और औरंगाबाद यहाँ से कुछ प्राइवेट कंपनी, जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइजेशन हुआ था वहाँ पर, वक्त से पहले उसे हटाया गया, तो क्या वहाँ पर ऐसी बातें नहीं हुई? ये सब रूमर्स है, इंशाल्लाह ताला ऐसा कुछ भी भरने को नहीं आएगा और हटाया जाएगा। हमने सुना कि जिस तरह से MIM पार्टी अब एक मुहिम शुरू करने जा रही है, ये वो फॉर्म है, इस तरह के फॉर्म जो है MIM पार्टी घर घर लेकर जाएगी और इसी तरह से लोगों के बीच में जानकारी लेगी, राय लेगी, क्या कि टोरंटो के खिलाफ लोग हैं या टोरंटो के सपोर्ट में है, ये दोनों तरह के इसमें ऑप्शन दिए गए हैं।